हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कामनी मौर्य और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में जो कि ऑब्वियसली आपके एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग है। सो आप में से काफी लोगों ने फॉर्म फिल कर दिए हैं और काफी लोगों ने एडमिशन ले भी लिया है, बट स्टिल काफी बच्चों को ये चीज इस चीज पे डाउट है कि उनकी कन्फर्मेशन हुई है या नहीं हुई। तो ऐसी काफी सारी क्वेरीज, काफी सारी कन्फ्यूजन्स के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो स्पेशली फॉर यू सो दैट आपको ये सारी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इस वीडियो के थ्रू आपको काफी सारी चीजें पता चल पाएंगी, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेरी जो मेरे पास आया था, कमेंट सेक्शन में भी काफी सारे डाउट्स आए हैं इसी के रिगार्डिंग, सो मैंने उनको कलेक्ट करके ही ये वीडियो बनाने जा रही हूँ सो दैट आप लोग एक भी पॉइंट मिस ना कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट क्वेरी ये है कि काफी बच्चे पूछ रहे हैं फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या होता है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मतलब होता है कि आपको फिजिकली जाके कॉलेज में अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने होंगे। अब आप लोग सोचेंगे ऐसे पैंडेमिक के टाइम पे तो ये चीज पॉसिबल है नहीं, सो ऑब्वियसली ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसके लिए भी गाइडलाइंस जारी की जाएंगी सो दैट आप लोग फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की करवा सकें कि आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है। उन लोगों को भी ये चीज कन्फर्म करनी होती है कि आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं या नहीं। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट क्वेरी। तो इसके रिगार्डिंग जो भी गाइडलाइंस होंगी वो आपको बता दी जाएंगी ऑफिशियल अपडेट पे, दैट इज DU की वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। उसके बाद सेकेंड हम बात करते हैं, आप में से काफी लोग पूछ रहे थे कि क्या दो लैंग्वेज इंक्लूड कर सकते हैं। सो यस, यू कैन इंक्लूड टू लैंग्वेजेस बट वन शुड बी कोर एंड वन शुड बी इलेक्टिव, ठीक है। और ये चीज डिपेंड भी करती है कि आप लोग किस कोर्स में एडमिशन ले, जिस भी कोर्स में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं सबसे पहले प्रोस्पेक्टस में उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लें, देन उसके बाद आप इस चीजों को इंक्लूड करना, दैट इज टू लैंग्वेजेस, ठीक है। तो क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट हर एक कोर्सेज में थोड़ा सा अलग अलग क्राइटेरिया है, तो ये चीज होगी हमारी सेकेंड क्वेरी, दैट यू कैन इंक्लूड बोथ द लैंग्वेजेस टूगेदर। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेरी की, दैट इज आपकी जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो रही है डॉक्यूमेंट्स की, उसमें सबको एक दिक्कत आ रही है, वो ये है कि आपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट तो करवा दिए हैं बट वहां से कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो चुके हैं। तो अभी 16 अक्टूबर पेमेंट करने की लास्ट डेट है, तो अभी प्रोसीडर चलता ही रहता है, पूरे एडमिशन का प्रोसीडर चलता ही रहता है, मीन 16 अक्टूबर तक आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस चलता रहेगा। तो आपको पेशेंस रखना है, आ जाएगी जल्द ही अपडेट आपके ऑफिशियल पोर्टल पे, आपको दिख जाएगी कि क्या अपडेट आपका एप्लीकेशन स्टेटस आ रहा है, ठीक है। मीन्स आपको क्या करना है, सिर्फ वेट करना है 16 अक्टूबर तक, आपका ऑब्वियसली सारे कन्फर्मेशन हो जाएंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। काफी बच्चों के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें भी काफी प्रॉब्लम है, तो वो लोग या तो मार्क करके आपको रीसेंड कर रहे हैं या फिर आपको नोटिफाई कर रहे हैं कि आपने ये डॉक्यूमेंट गलत प्रोवाइड किया है। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका न्यू डॉक्यूमेंट है या फिर जो भी आपने गलती कर दी थी तो उसको सुधारने का ऑप्शन आपके पास है, बहुत अच्छा, आप उसको दोबारा से एडिट कर सकते हैं, दोबारा से आप उस वो अपडेट कर सकते हैं, दैट इज पोर्टल पे आपको वो ऑप्शन ब्लैंक ही दिखेगा, तो आप वहां पे अपडेट कर सकते हैं दोबारा से, फिर वो डॉक्यूमेंट पर्टिकुलर लिखा आ जाएगा द डॉक्यूमेंट हैज बीन वेरीफाइड या फिर द डॉक्यूमेंट हैज वेरीफाइड, ठीक है। तो ये चीज आपकी लिखी आ जाएगी वहां पे अगर आप कोई डॉक्यूमेंट न्यू अपलोड करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ये चीजें कहां से आपको अपडेट्स मिलती है, या फिर आपकी ईमेल आईडी पे मिलेगी या फिर आपके पोर्टल पे नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। तो आपको अपडेट रहना है। फिर काफी लोगों ने कल ही फॉर्म भर दिया था एंड यू हैवन गॉट एनी ऑफ द कन्फर्मेशन, चाहे वो एडमिशन का है चाहे वो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का अपडेट है, तो ऐसी कोई अपडेट आपको नहीं मिली है। सो समटाइम्स ऐसा होता है कि प्रोसेस स्लो हो जाता है, तो उस प्रोसेस का आपको वेट करना है, वो आपको नोटिफाई करेंगे, वो उनका काम है। तो आप में से काफी लोग घबरा रहे हैं या फिर काफी लोग पैनिक हो रहे हैं इस चीज को लेके, तो प्लीज ऐसा मत करो, हैव पेशेंस, आ जाएंगी आपकी जो भी अपडेट्स होगी, जो भी एप्लीकेशन का स्टेटस होगा वो आपके पोर्टल पे या फिर आपकी ईमेल आईडी या फिर आपके फोन नंबर से अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको वेट करना है, 16 अक्टूबर लास्ट डेट है, ऑब्वियसली सारे कन्फर्मेशन हो जाते हैं जब तक। हम बात करते हैं, काफी लोगों ने डॉक्यूमेंट्स जो है आपके वो गलत अपलोड कर दिया, मीन्स 12th की मार्कशीट की जगह 10th की मार्कशीट अपलोड कर दिया या फिर सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया, तो ऐसे काफी सारे डॉक्यूमेंट्स में भी आपने गलतियां की है, तो उसको भी आप सुधार सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपका एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। सो आप लोग एक सेकेंड में ही बोलते हैं कि दी क्या मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, इतनी आसानी से कैंसिल नहीं होता है एडमिशन, कोई ना कोई रीजन होता है, कोई ऑथेंटिक रीजन होता है इसके पीछे, सो वो चीज आपको देखनी है कि कहाँ कहाँ आपने गलती की है। अगर हम बात करते हैं, जो भी हमने एडमिशन प्रोसेस समझाया था मैंने प्रीवियस वीडियो में, उसमें मैंने ये चीज बताई थी कि जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म होगा, मींस आपकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएंगी डॉक्यूमेंट्स की, उसके बाद आपके पास अपडेट आ जाएगा कि
आपका एडमिशन कंफर्म कर दिया गया है और एक डिक्लेरेशन है जो कि आपको साइन करना पड़ेगा। वो डिक्लेरेशन अभी तक आपको नहीं मिली है, दैट जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए थे या फिर प्रोवाइड किए थे वो सारे ऑथेंटिक हैं एंड अप टू द मार्क है। तो वो डिक्लेरेशन जब तक आप साइन नहीं करेंगे आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होगा। ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको जानना बहुत जरूरी था। इसके बाद एक और चीज बात करते हैं, काफी लोगों ने कल अप्लाई किया था बट 24 आवर्स हो चुके हैं उस चीज को बट स्टिल कोई अपडेट नहीं आई है। तो अपडेट आ जाएगी, आपको बस वेट करना है। यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द 16th अक्टूबर। 16th अक्टूबर तक सारे कन्फर्मेशन ऑलमोस्ट हो जाएंगे। ऑफ यू आर स्टिल आस्किंग कि क्या हमारे एडमिशन कैंसिल होने के चांसेस हैं अगर आपकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाती है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन और फिजिकल वेरिफिकेशन में डिफरेंस है। आपका जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा वो आपका कन्वेनर करेगा या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है वो करेगा। ऑनलाइन मीन्स जो पर्टिकुलर कॉलेज है वो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा। इसको लेके कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपके पास। अब बात करें थे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, वो ये है कि आपके एडमिशन प्रोसेस में अगर पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और कन्फर्मेशन भी आ जाता है कि प्रिंसिपल ने अप्रूव कर दिया है आपके एडमिशन को एंड जो भी आपकी स्टडीज है वो कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है, ऐसा कोई कन्फर्मेशन आपकी अगर आता है पोर्टल पे या ऐसा कुछ, तो वो कन्फर्म फाइनल कन्फर्म नहीं होता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं एक चीज आपको बता देना चाहती हूँ, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ले लो या फिर आप जो फर्दर कॉलेजेस में आप लोग एडमिशन लेंगे उन कॉलेजेस की साइड से वो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे अच्छे से एक एक डॉक्यूमेंट, ठीक है, उसके बाद ही आपको कन्फर्मेशन आएगा कि आपके पास ये शेड्यूल आ चुका है। जैसे ही आपका कन्फर्मेशन होगा आपके पास कॉलेज का शेड्यूल आ जाएगा कि क्लासेस कब से स्टार्ट है। अब काफी लोग पूछे थे फर्स्ट कट ऑफ में क्या अलाउ है दोबारा से एडमिशन लेना किसी और कॉलेज में। सो ये चीज मैंने क्लियरली दो बार कही थी प्रीवियस वीडियो में कि विद इन अ कट ऑफ यू आर नॉट अलाउड टू मूव फ्रॉम वन कॉलेज टू अनदर कॉलेज एंड आइदर यू आर नॉट इवन अलाउड टू मूव फ्रॉम वन कोर्स टू अनदर कोर्स, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में मूव नहीं कर सकते अनटिल द सेकेंड और द सबसिक्वेंट कट ऑफ लिस्ट कम। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सो जिन लोगों का एडमिशन एक तरह से कंफर्म हो गया है, जिन लोगों के पास अपडेट आ गई है दैट योर एडमिशन हैज बीन कंफर्म, तो ऑल द बेस्ट, आप लोगों को बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी साइड से, क्योंकि ये सभी का ड्रीम होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना और जिन बच्चों का एडमिशन हो जाए तो उससे बड़ी खुशी कोई भी नहीं होती है। सो ऑल द बेस्ट, और जो बच्चे अभी भी एडमिशन के लिए देख रहे हैं अभी बहुत सारी कट ऑफ आनी बाकी है, सबका एडमिशन हो जाएगा ऑलमोस्ट, ऐसी कोई बात नहीं है। सो आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट योर परसेंटेजेस कि कितनी आपकी परसेंटेज आई है और कितने पे आपका एडमिशन पॉसिबल है, ये चीज सबको पता होती है और आई होप कि आप लोगों को भी पता चल गई होगी अकॉर्डिंग टू द लास्ट ईयर कट ऑफ्स या फिर फर्स्ट कट ऑफ के रिगार्डिंग भी अगर आप सोचते हैं कि आपका एडमिशन पॉसिबल है या नहीं है। सो दोबारा मिलते हैं इसी तरह के एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर लवली जर्नी।